हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने बनाया है और जो है से इसमें जो है से आप लोगों को मैं मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जलियांवाला बाग मसाकरे जो हुआ था उस पर ये वीडियो है। और इसमें मैं आप लोगों को एक एनिमेशन के थ्रू जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक छोटा वीडियो है, पहला जो है से मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो बताइएगा, तो इस तरह से जो है मैं इस पर मैराथन वीडियो भी आपको लेकर आऊंगा। इसी का हिस्ट्री का और भी सारे सब्जेक्ट का जो है आप अगर कहेंगे तो मैं मैराथन वीडियो और जो है साइंस वगैरह का भी आप लोगों को एनिमेशन के माध्यम से मैं करा दूंगा। वैसा आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो है शेयर वगैरह कर दीजिएगा ताकि जो है इस तरह से मैं वीडियो आप लोगों को लगातार अब जो है एनिमेशन के माध्यम से भी लेकर आऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग मसाकरे जो है वो काफी जो है से भयानक, बहुत बड़ा मसाकरे था, बहुत बड़ा नरसंहार था भारतीय इतिहास में। उसी को लेकर जो है ये चर्चा है। तो ये क्यों हुआ था और किसके जो है से किस कारणवश जो है ये जलियांवाला बाग जो हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, ये क्यों हुआ? तो सबसे पहले जो आप लोग जानते हैं कि ये रॉलेट एक्ट आया था। तो रॉलेट एक्ट जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये एक्ट आया था। और इसमें जो है क्या हुआ कि ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील कानून कहा गया। इसमें किसी को भी अरेस्ट करके बिना 2 साल ट्रायल के जो है जेल में रखा जा सकता था। तो जिसके विरोध में जो है गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने की शुरू ये कही कि 6 अप्रैल से ही रॉलेट सत्याग्रह शुरू करेंगे। और जो है से पंजाब वगैरह में जो है काफी जो है से इसको लेकर विद्रोह था। तो वहां जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। और उसके बाद जो है से 10 अप्रैल को जो है वहां के जो है से बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उनको जेल में रख दिया गया। और उसके बाद जो है से फिर 13 अप्रैल 1919 को जो है से बहुत सारे लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और इस दिन जो है इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ इनका प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इस दिन जो है बैसाखी का दिन था। और ये लोग बैसाखी को जो है पंजाब में बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, और उस सिखों के द्वारा उनको जो है सेलिब्रेट करने के लिए जी ये लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे बिना कोई हथियार वगैरह के। तो और उसके बाद जो है जनरल डायर जो वहां का ये था उसको पता चलता है कि वहां जो है लोग इकट्ठे हुए हैं जलियांवाला बाग में। वो अपने ट्रूप के साथ जनरल डायर पहुंचा और वहां पे मौजूद जो एक ही दरवाजा था जो भागने के लिए, उसको जो है उसने बंद करवा दिया। और उसके बाद जो है उसने फायरिंग की अनुमति दे दी, मतलब कि कोई कहीं से भाग नहीं सकते थे। और अफरा तफरी मच गया और इसने लगातार जो है लगभग 40-50 राउंड जो है गोलियां चलवाई, जिसमें जो है जो ऐसे कहा जाता है कि 1200 लोग मर गए, लेकिन बहुत सारे लोग मर गए थे, उससे भी ज्यादा की तादाद बताई जाती है। और बहुत सारे लोग घायल हो गए। आप जो है से दीवार पे जाएंगे तो वहां अभी भी जो है से आपको बुलेट के निशान और जो है से ब्लड के धब्बे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का नरसंहार वहां पे किया गया था, लोगों को इस तरह से मारा गया था। तो जनरल डायर ने ये किया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो है से आपको ये लौटा दिया था, उनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी जलियांवाला बाग के ही बाद जो है उन्होंने इसी का विद्रोह में लौटा दिया था। गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल लौटा दिया था। और उसके बाद जो है से नन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जो है इसी के बाद जो है शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने नन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस तरह से जलियांवाला बाग जो है से ये घटना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले तो हंटर कमेटी भी बैठी, और जिसमें जो है से ये कहा गया, उस कमेटी में कहा गया कि ये जो है से जनरल डायर की जो है से एक बार वार्निंग देना चाहिए था। वह मार्शल लॉ लगाना जो पंजाब में वो दुरुस्त था, मार्शल लॉ लगाना सही था। और जनरल डायर को जो है कोई चार्ज उस पर नहीं लगाया, बल्कि जो है उसको जो है से कहा कि बस एक वार्निंग देनी चाहिए थी। और उसको जो है इंग्लैंड भेज दिया गया, और इंग्लैंड में जो है उसकी काफी स्वागत हुआ। एडवर्ड हेनरी नाम था, रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर इसका पूरा नाम था, और इसको जो है से भेज दिया गया लंदन। लंदन में इसकी काफी स्वागत हुआ। इसी का जो है से बदला लिया हमारे जो है से वीर स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह ने, जो एक पंजाब से भी बिलोंग करते थे। और उन्होंने उनको बहुत बड़ा जो है आघात पहुंचा था इस घटना के बाद। और जो है से वो जनरल डायर को तलाशते तलाशते जो है वो पहुंच गए।
और उसने जो है से माइकल ओडायर जो उस वक्त जो है पंजाब का जो है कमिश्नर था उसकी हत्या जो है उसने 1940 को कर दी। और उसके बाद जो है उसी के बाद जो है सरदार उधम सिंह को भी फांसी दे दिया गया था। तो दोस्तों ये था जलियांवाला बाग से रिलेटेड एक वीडियो छोटा सा जो मैंने आप लोगों को बताया, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी को समझाने की कोशिश की है ग्राफिक्स के माध्यम से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के अगर चाहते हैं वीडियो मैं और इम्प्रूव करके बनाता रहूंगा तो कमेंट में बताइएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।